हेलो फ्रेंड्स, कहते हैं आप लोग, आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना काम करेंगे। मेरा नाम दोस्त है, तो मैं आपको जैसे ब्लॉग वीडियो बनाते हैं दोस्तों, तो आज स्पेशली फिर से आ गए दोस्तों जीना बाहर खेल मैदान में, जो कि दोस्तों यहाँ पर मैच चल रहा है वो बहुत ही रोमांचक चल रहा है दोस्तों। तो इसी मैच को दिखाने के लिए स्पेशली आ गया हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी लगातार आप लोग को दिखा रहा था, मुझे लगा कि क्यों ना फिर से मैच दिखाऊँ। तो फिलहाल दोस्तों आज का जो मैच, कितना मैच ख़त्म हो गया है उस चीज़ को बताएंगे सेंड भी। तो फिलहाल दोस्तों मैं थोड़ा सा लेट से आया हूँ, क्योंकि दोस्तों कुनकुरे में तिरंगा रैली था, तो उस चीज़ को शूट कर रहा था, तो थोड़ा सा लेट हो गया। तो फिलहाल दोस्तों अभी आ गया हूँ और अभी जितना मैच हुआ उसके बारे में दोस्तों रूबरू कराएंगे हमारे संडी भैया। तो फिलहाल दोस्तों बन रहे वीडियो, देखते रहिए। एफसी बागबहार वर्सेस एफसी फतेहपुर, ये प्लेयर नेम लिस्ट ले लें और उसे आप कंप्लीट करके आप हमारे फोर्थ रेफरी पैनल के पास या फिर जमा कर दें और गेम जरूर। गोटो लाइन से आए हुए हैं धर्म जागर से मैच देखने के लिए, राजू खलखो जी के सौजन्य से। अगर रघुनाथपुर की टीम यहां पर इस मैच को जीतती है तो मैं उनकी ओर से 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा रघुनाथपुर की टीम को और स्कोर कर सके, और ये एक बेहतरीन रणनीति होती है। अब जो खिलाड़ी हैं बिल्कुल फैल चुके हैं और वो चाहते हैं कि यहां पर हम और स्कोर करें, एकदम बिल्कुल जो रणनीति के साथ उनके कोच मैनेजर जो होंगे सारे लोग यही रणनीति अपनाने के लिए सजेस्ट करते हैं, और एक अच्छी रणनीति के साथ। और ये फर्स्ट हाफ का ये मैच चलता हुआ, फिलहाल दोस्तों आज मैं थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि दूसरा नहीं तीसरा मैच स्टार्ट हो गया है, लेकिन दोस्तों मैं स्पेशली आपको जानकारी दे दूंगा, तो आज का जो मैच का शेड्यूल है वो फाइनली पता चल जाएगा। तो मैं संडे भैया से स्पेशली आज जितने भी मैच हुए उनके बारे में स्पेशली रिपोर्ट लेना चाहूँगा, तो संडे भैया एक बार बता दीजिए। सबसे पहले दशरथ जी आपका तो स्वागत मैं करना चाहूँगा, और जो आप वीडियो बना रहे हैं काफ़ी मेहनत करते हैं, और ये टूर्नामेंट एक बड़ा टूर्नामेंट है, हालांकि एक दिन में 4 मैच हो रहे हैं, जिसकी वजह से कई ऐसे जो आपके चैनल में जो दर्शक हैं जो चैनल को देखते हैं उनका जो कमेंट्स आया है कि आप पूरा का पूरा मतलब मैच दिखाएं भैया, लेकिन मैं खुद उस बात पर मैं चिंतित हूं कि आप दर्शकों को मैं हमारे जो ये टूर्नामेंट है उसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैच दिखा पाएंगे या फिर ज़्यादा समय दे पाएंगे। यहाँ पर रोज़ दिन 4 मैच हो रहे हैं, क्योंकि ये सेकेंड राउंड का मैच है दशरथ जी, और आज का जो पहला मैच है एफसी बलडाण वर्सेस नाइट राइडर्स गिनाबहार की टीम के बीच काफ़ी रोमांचक मुकाबला रहा, जिसमें नाइट राइडर्स गिनाबहार की टीम 2-0 से मैच जीतकर प्री क्वार्टर में पहुंच चुकी है। और दूसरा मैच भी काफ़ी रोमांचक रहा, शांति क्लब टुकुपानी वर्सेस एफसी डिपाटोली नगर पंचायत के बीच काफ़ी रोमांचक मुकाबला रहा, जिसमें डिपाटोली नगर पंचायत की टीम 2-0 से मैच जीतकर प्री क्वार्टर में पहुंच चुकी है। और अभी जो है वो काफ़ी बड़ा मैच है, मैं बता दूं कि गांधी स्मारक जुगबाला की टीम काफ़ी यंग प्लेयर्स हैं और उनके विरुद्ध में जो खेलने वाली जो टीम है 112 रघुनाथपुर की टीम काफ़ी अनुभवी काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर टीम है, लेकिन अभी फर्स्ट हाफ का ये मैच चलता हुआ जिसमें 1-0 की बढ़त 112 रघुनाथपुर की टीम ने ले ली है। और आज का चौथा मैच वो भी काफ़ी रोमांचक होगा, एफसी बागबहार वर्सेस एफसी फतेहपुर के जसपुर के बीच मुकाबला होगा। इस तरह 4 मैच आज खेले जाएंगे दशरथ जी। धन्यवाद भैया। तो फिलहाल दोस्तों अभी जो मैच चल रहा है उस मैच के बारे में मैं दोस्तों आप लोग बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये रघुनाथपुर और जो टीम खेल रही है उस टीम के मैच को दोस्तों स्पेशल दिखा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इस टीम में मुझे लगता है कि जो रघुनाथपुर है वो 1 गोल की बढ़त पे है। तो फिलहाल दोस्तों अभी तो देखते हैं मैच का आंखों देखा हाल क्या होता है। यहाँ पर पुनः यहाँ पर चांस बनाने की कोशिश, लेकिन सीधे गोलकीपर। फिलहाल दोस्तों पहला गोल कौन किया था दोस्त? कौन गोल अपने से मतलब मारे थे? कौन गोल वही दूसरा गोल कैसे नाम बता दो पहले? पीयूष तिवारी।
आपके नाम मतलब का आप दूसरा गोल किया अपने टीम के लिए, कैसे लग रहा है आपको उसको? अच्छा लग रहा है, अभी और प्लेयर चेंज हो रहे हैं और अभी टाइम बाकी है, उसमें और स्कोर करना चाहता हूँ। अभी नया नया खिलाड़ी किस तरह का रोनाल्डो जी अभी गोल करेंगे? सोनाल्डो, धन्यवाद भाई, लोग अच्छा लगा, बेस्ट ऑफ लग रहा है, अच्छे से गोल करना ठीक। जो रघुनाथपुर की टीम है वो तीसरी गोल करते हुए, क्योंकि दोस्तों मैं हर मोमेंट को स्पेशली दोस्तों अपने कैमरा में कैद नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि दोस्तों थोड़ा दूर है, जूम भी करता हूँ तो फट जाता है देखिएगा ये, लेकिन दोस्तों कभी कभी दिख जाता है तो वो कवर कर लेता हूँ, लेकिन बहुत ही कम उम्मीद रहता है दोस्तों, इसलिए मैं कर नहीं पाता हूँ। और लॉन्ग वीडियो डालने के ऊपर बात कर देता हूँ दोस्तों, कि लंबा वीडियो मैं इसलिए डाल नहीं पाता हूँ क्योंकि जो वीडियो का साइज है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और मैं वीडियो को अपलोड करूँगा दोस्तों तो काफ़ी समय लगेगा, और उतना समय में दोस्तों आप लोग को वीडियो जो शेयर करता हूँ और दिखाता हूँ ब्लॉग वीडियो के आधार पर, तो वो वीडियो दोस्तों मेरे को लगता है 2-3 दिन बाद अपलोड होगा तो कोई मतलब रह नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो न्यूज रहता है उसे हम लोग तुरंत देखना चाहते हैं, और मैं दोस्तों कोशिश करता हूँ कि जितने जल्दी अपलोड हो जाए और जितने जल्दी आप लोग के साथ शेयर कर लूँ, मेरे को ऐसे ही लगता है, तो इसलिए मैं दोस्तों 20-16 मिनट ऐसा समथिंग का वीडियो बनाता हूँ और आप लोग के लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि दोस्तों जो सीन है वो ज़्यादा लंबा अगर बनाऊँगा 30 मिनट या 40 मिनट उस वीडियो को मैं दोस्तों अपना नाम तो दे पाऊंगा लेकिन अपना YouTube में पहचान नहीं दे पाऊंगा बिल्कुल भी, इसलिए दोस्तों उसके लिए सॉरी रहेगा आप लोग को, और जो छोटा छोटा वीडियो डालता हूँ उसी वीडियो को आप लोग देख के इंजॉय कीजिए और उसी में सपोर्ट मेरा कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि लॉन्ग वीडियो डालूँ, लेकिन दोस्तों जो वीडियो डालता हूँ उसी में आप लोग थोड़ा सा मायूस मत होइएगा दोस्तों, जो भी वीडियो बनाता हूँ आप लोग के लिए बनाता हूँ, धन्यवाद दोस्तों। और जिस फुटबॉल की जो जो खेल होते हैं उसमें जो बॉडी टेकल के साथ में बॉडी का जो ग्रोथ अगर हम देखें तो डिफेंस एक रक्षापति या डिफेंस हम कहेंगे, तो वह उस हिसाब से गांधी स्मारक जो वाला के जो डिफेंडर है काफ़ी हाइट है, अच्छी हाइट है, ग्रोथ हो सकता है, और ये बिल्कुल बाहर को छूती हुई बॉल संपन्न हुए हैं, उन टूर्नामेंट में इनकी जो प्रदर्शन रहा है काफ़ी दर्शकों को उनके दर्शकों को दिल को जीतने वाले जब प्रदर्शन हुआ करता था, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे मुझे लगता है कि इन्होंने छुपा कर रखा है, वो अंतिम पड़ाव जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही इनका प्रदर्शन और रफ्तार बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा होंगे। हमारा स्टूडेंट रक्षक है, जिंदा फिलहाल दोस्तों रघुनाथपुर की टीम 3-0 की बढ़त पे विजय हो गई, तो फिलहाल दोस्तों अभी जो मैच होगा उसके बारे में डिटेल देता हूँ, टीम का नाम बता दो, परिचय दे दो, पंकज और आज का रोहित भगत, अंतिम मैच क्रिश्चन जय एफसी बाहर वर्सेस एफसी फतेहपुर के बीच बेहतरीन मुकाबला, बेस्ट ऑफ भाई लोग अच्छे से खेलना, टीम का नाम बता दो, परिचय दे दो, हेमंत का एफसी बाग बाहर की टीम अपने क्षेत्र में काफी बेहतरीन फुटबॉलर के रूप में जाने जाते हैं, नीरज काफी युवा टीम है, कई टाइटल इन्होंने जीता है और उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बेस्ट ऑफ लगा लो अच्छा खेलना, फतेहपुर की टीम काफी
फाइनली दोस्तों मैच स्टार्ट हो गया है। अब दोस्तों देखते हैं फतेहपुर की टीम पहला गोल करती है या फिर बागबार की टीम पहला गोल करती है। तो फिलहाल दोस्तों मेरे वीडियो बने रही है और देखते रहिए कि पहला गोल और ये टीम मेरी जो खेल रही है उसमें कौन है। तो स्पेशलिस्ट हूँ, उससे मिलाऊंगा और बताऊँगा। मौके मिलेंगे, फतेहपुर की टीम स्कोर करने में पिछड़ती नहीं है और ये मैन टू मैन 8 नंबर 4 नंबर की जोड़ी, लेकिन डिफेंस रक्षापति काफी चीजों को समझ चुकी है कि हमें कैसे रोकना है फतेहपुर की टीम को। और ये एक अच्छी रणनीति और 7 नंबर की जर्सी में चिराग कैप्टन के रूप में, और सफलता की अगर हम बात करें तो अभी तक किसी भी टीम को सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन लगातार प्रयास है कि यहाँ पर हम बढ़त लें। और ये काफी लंबी की फॉरवर्ड 14 नंबर की जर्सी में, 13 नंबर की जर्सी में फतेहपुर के डिफेंडर बॉल को क्लियर करने की कोशिश, अच्छा प्रयास और बॉल को क्लियर किया है, कैप्टन के पास बॉल पहुंची हुई है। और ये 4 नंबर पे लगातार यहाँ पर बॉल खिलाने की कोशिश, और ये काफी रफ्तार से काउंटर अटैक, बॉल माइनस नहीं कर पाए बॉक्स के अंदर बाहर के, और ये मौके पर सकते थे बुलेट शॉट, चांस बन सकता था लेकिन पूरे खिलाड़ी मौजूद है बॉक्स के अंदर बाहर के, वो बिल्कुल गोल होने नहीं देना चाहेंगे। और जोगी भाई का भी स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और इतनी जल्दी निराश होने की जरूरत नहीं, गोलकीपर अच्छा नहीं रख रहे हैं महाराज जी, लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। ये बाग बाहर की टीम किसी से कम नहीं, और मौके मिले स्कोर बढ़त के रूप में हमें देखने को मिलेंगे बाग बाहर की टीम बॉक्स के करीब, लेकिन जो कि राष्ट्र की ललित वाटर तिरकी के दमाद है करने में कामयाब नहीं होती है, तो काफी मुश्किल होगी फतेहपुर की टीम को। पेनाल्टी शूट आउट साथ में चमचमाती हुई ट्रॉफी भी दिए जाएंगे, रनर अप जो टीम होगी उसे पचाना, अगर 0-0 होते हैं तो दर्शक कह रहे थे कि बाल बाहर की टीम को इतनी आसानी से हराना मुश्किल है, और ये काफी रफ्तार से एक जरूरी है, काफी रणनीति अपनाते हुए गोलकीपर काफी अच्छा कमाल कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। फिलहाल दोस्तों आज का जो मैच का रिपोर्ट है उस मैच के रिपोर्ट को आप लोग को एक बार बता देना चाहूँगा प्लीज भैया। वैसे तो दशरथ जी मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ 2 मैच के बारे में जी। वैसे आज 4 मैच सेकेंड राउंड का मैच खेला गया, जिसमें पहला मैच एफसी बलडाण वर्सेस नाइट राइडर्स गिनाबहार की टीम के बीच मैच खेला गया, जिसमें नाइट राइडर्स गिनाबहार की टीम 2-0 से मैच जीतकर अगले राउंड प्री क्वार्टर में पहुँच चुकी है। दूसरा मैच शांति क्लब टुकुपानी वर्सेस एफसी डीपाटोली के बीच मैच खेला गया, जिसमें डीपाटोली की टीम मैच 2-0 से जीतकर अगले राउंड में पहुंच चुकी है। और तीसरा मैच गांधी स्मारक जुगबाला वर्सेस 112 रघुनाथपुर के बीच मैच खेला गया, जिसमें रघुनाथपुर की टीम ने 3-0 से मैच जीतकर अगले राउंड प्री क्वार्टर में पहुँच चुकी है। और अब आज का अंतिम मैच जो है काफ़ी रोमांचक रहा, जिसमें पिछले वर्ष की जो रनर अप टीम रही फतेहपुर जसपुर क्षेत्र से आती है टीम, और उनके लिए काफ़ी मुश्किल से मैच जीतने का अवसर मिला है, पेनाल्टी शूटआउट तक ये मैच गया है और फतेहपुर की टीम 1-0 से मैच पेनाल्टी शूटआउट के माध्यम से जीतकर अगले राउंड में पहुंच चुकी है। दशरथ जी धन्यवाद भैया। तो फिलहाल दोस्तों अब
कल का मैच दिखाता हूँ। फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है कि अब मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ का जो भी मैच रिपोर्ट देना था फाइनली दे चुका हूँ। फिलहाल दोस्तों आज थोड़ा सा लेट हुआ, तीसरा मैच हुआ, फाइनली दोस्तों मैं पहुँचा। तो फिलहाल दोस्तों चौथा जो मैच था उसको पूरी तरह से दिखाया, आप लोग को अच्छा लगा होगा आई होप, क्योंकि दोस्तों मेरा जो ब्लॉग है वो स्पेशली इस चीज़ को बताता है कि आज के दिन में जो मैच हुआ वो उस मैच में कौन कौन सी टीम जीती और कौन सी टीम हारी, इस चीज़ को बताता है। तो फिलहाल दोस्तों मैं अब इस वीडियो को बंद करता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो कुछ लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि जगह मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।